नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बना रही हूँ होली स्पेशल थाली। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज है। इस होली पे आप ही अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। पहले से थोड़ी सी तैयारी मैंने करके रखी है। 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। देखिए थाली में क्या क्या चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए थाली बनाना शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं थाली में मैंने क्या क्या परोसा हुआ है, क्या क्या बनाया है। पुआ, कटहल की सब्जी, दही बड़े, पूरी और दही की लस्सी। इससे ज़्यादा चीज़ें फिर खाई नहीं जाती हैं। इतनी चीज़ें 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाएगी। जब भी थाली बनाएं तो दो तीन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। जैसे एक साथ में दो दो चीज़ें बनाएं। जैसे मैं बना रही हूँ दही बड़े और कटहल की सब्ज़ी, दोनों इकट्ठे ही बनाऊंगी, दो चूल्हे पे डालूंगी क्योंकि दोनों में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले कटहल को मैंने काट लिया है और थाली बनाने से पहले थोड़ी सी जो तैयारी होती है, कटिंग का काम वो कर लेंगे, मसाले वगैरह पीसने का काम वो पहले से करके रख लेंगे, अदरक लहसुन वगैरह का जो पेस्ट है वो निकाल लेंगे पहले से, तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा और हमारा थाली जो है वो फटाफट से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है। कढ़ाई में सबसे पहले आलू डालेंगे, आलू को फ्राई करके निकाल लेंगे। आलू में थोड़े से मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची वगैरह डाल देंगे और इसको धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। आलू के फ्राई होते ही आलू निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में हम कटहल को भी इसी तरह से, जैसे आलू को फ्राई किया था उसी तरह से कटहल को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे और फ्राई करने के दौरान ये पक भी जाता है। 80% to 85% तो ये पक ही जाता है। अब कटहल को फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, कटहल डाल देंगे, एक दो मिनट तक पहले इसे चला लेंगे बिना नमक हल्दी डाले हुए, और उसके बाद डाल देंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्ची, बाकी मसाले अभी कुछ भी नहीं डालेंगे। डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसे भी निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया इसका भी, ये भी निकाल लेंगे। और अब मसाले बनाएंगे। सेम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें प्याज वगैरह भून लेंगे। इसकी डिटेल्ड वीडियो कटहल की सब्जी की आपको अगर देखनी है तो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख लीजिए। यहां पे थोड़ा सा मैं जल्दी में चल रही हूं। प्याज भून गया, प्याज के भूनते ही अब इसमें अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे मसाले। मसाले जब तैयार हो जाएंगे तब ये आलू और कटहल जो है वो डाल देंगे। मसाले मैंने मिला दिए हैं। मसाले में धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाला है। तीनों को मिला देंगे और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं और तरी वाली चाहें तो इसमें पानी मैंने डाल दिया है। ये 80% लगभग पक ही चुका है। थोड़ा देर इसमें पकाएंगे, जैसे ही ये बिल्कुल हाथ से दबा के देख लेंगे ये पक जाएगा, गैस ऑफ कर देंगे, बस हमारा कटहल का जो सब्जी है वो रेडी हो गया। ये रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा ग्रीन अनियन से मैंने गार्निश कर दिया है। अब चलते हैं दही बड़ा बनाने के लिए। दही बड़ा बनाने के लिए उड़द की जो धुली दाल होती है वो मैंने भिगो दिया है। यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब उड़द की दाल ली है। उसको कम से कम 5-6 घंटे भिगोएंगे। जैसे मैंने रात में रख दिया था और सुबह इसको अच्छी तरह से पीस लिया और हाथ से थोड़ा फेंट लेंगे, ये बिल्कुल हल्की सी हो जाती है। और इसमें डाल देंगे नमक और अदरक और हरी मिर्ची पीस के डाल दी है और तेल गरम करेंगे। तेल जब तेज़ गरम हो जाएगा तो फ्लेम, यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने कम कर दिया और हाथ में ऐसे पानी लगा लगा के फटाफट से तलते जाएंगे। बहुत जल्दी तल जाता है ये देखिए, और अच्छा दही बड़ा बना है। वो बिल्कुल कढ़ाई में ही फूलने लगेगा। अभी मैं पास से आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल वो फूलने लगता है। आपको देख के ही पता लग जाएगा कि मेरा दही बड़ा अच्छा बना है। और अगर अच्छे से फूला नहीं है तो वो बिल्कुल पिचकी पिचकी सी लगेगी। एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। कढ़ाई में जितना तेल है भर भर के डालेंगे। एक तरफ से जब ये सिक जाएगी तो इसे पलट देंगे।
दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी पक जाएगा तो फिर इसे निकाल लेंगे और निकाल के एक भगोने में पानी रखेंगे। पानी नमक और थोड़ा सा हींग डाल दिया है पानी में, उस पानी में इसको डालते जाएंगे। देखिए पास से दिखाती हूँ देवड़ा कितना ज़्यादा फूला है, लगभग डबल साइज का हो गया है। तो अभी इसको पानी में रहने देते हैं और दही फेंट लेते हैं। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसमें नमक और काला नमक मिलाया और कुछ भी नहीं मिलाया है। और जब थाली लगाएंगे तब दही बड़े की प्लेटिंग करेंगे। अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब बनाएंगे हम मालपुआ। मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। ट्रेडिशनल जो मालपुआ होता है वो मैदे में ही बनता है, तो मैं मैदे का ही बना रही हूँ। 2 कटोरी यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। इसका भी हिसाब जो है वो बहुत ही सिंपल है, जिस कटोरी से आपने मैदा नापा है सेम उसी कटोरी से चीनी नाप लेंगे। 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है और 1 कटोरी मैंने 1 कटोरी से ज़रा सा कम चीनी लिया है। अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं तो इससे थोड़ा सा और कम ले सकते हैं। और 1 केला लिया है। केले को और चीनी को दोनों को मिला के अच्छे से मैश कर लेंगे, मैंने मिक्सी में कर लिया है। और उस घोल को मैदे में डालेंगे और इसको जो घोलेंगे वो दूध से घोलेंगे। यहाँ पे मैं सेम कटोरी से दूध मेजर कर रही हूँ। 2 कटोरी दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डाल डाल के मैदा का अच्छा सा बैटर बनाएंगे। धीरे धीरे दूध डालते जाएंगे और ऐसे हिलाते जाएंगे, बिल्कुल गुठली जो है वो नहीं पड़नी चाहिए। और धीरे धीरे ऐसे आप मिलाएंगे तो बिल्कुल भी गांठ इसमें नहीं बनती है, बहुत ही अच्छे से स्मूथली ये घुल जाता है। 2 कटोरी मैंने दूध लिया है। अगर आपको और ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा इसमें आप पानी भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए केला और चीनी मैंने पीस लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मैदे में डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ये मेरा बैटर बनके तैयार हो गया। इस बैटर को कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे तक ढक के रख देंगे। जब मैदा फूल जाता है तो इसके मालपुए बहुत अच्छे बनते हैं। साथ में इसमें मिलाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने सूखा नारियल लिया है, किशमिश ली है और 3-4 इलायची जिसको ऐसे पाउडर बना के वो डालेंगे। यहाँ पे मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ, सिंपल आटा जो जैसे हम पूरी बनाते हैं। पूरी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और अच्छी तरह से सख्त आटा गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आटा को गूंथेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये आटा तैयार हो गया, पूरी का आटा रेडी है। अब चलते हैं हम गैस की ओर। पहले मालपुए तल लेते हैं और फिर पूरी तलते हैं। दही बड़ा हमारा तैयार हो गया है, कटहल की सब्जी तैयार हो गई है। अब पहले हम पुआ तल लेते हैं। पुआ तलने के लिए एक फ्लैट बॉटम का हम पैन लेंगे। कढ़ाई लीजिए जिसमें जलेबी बनती है, उसमें आप मालपुआ तलें उसमें अच्छी तलती है। जो उसमें हम सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें मालपुआ आप बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा उसमें, क्योंकि उसमें एट ए टाइम एक ही बनता है और इसमें आप एक साथ कई सारे मालपुए बना सकते हैं। पहले एक चेक कर लेते हैं तेल अच्छा गर्म है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया, यानी कि तेल बहुत अच्छा से गर्म हो गया है। अब फ्लेम लो कर देंगे और एक एक करके इसमें मालपुए डालते जाएंगे। पहले मैं एक तल के दिखा देती हूँ और उसके बाद पूरे तेल में भर भर के डालेंगे। एक साथ बहुत सारा बन जाता है, जल्दी हो जाता है। ये देखिए साइड से फूलने लगा है, यानी कि मालपुआ हमारा बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। साइड से ऐसे देखिए उठने लगता है, यानी कि मालपुआ फूल गया था, बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसको एक तरफ से पलट देंगे। आपको अगर मुलायम मालपुआ बिल्कुल मुलायम चाहिए तो जल्दी पलट दीजिए, और थोड़ा सा करारा, जैसे मुझे हल्का सा करारा अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा और इसको पकाती हूँ। दोनों तरफ से अच्छी क्रिस्पी कर लीजिए और फिर इस तरह से निकाल लीजिए। एक अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक डाला था, लेकिन एक साथ एक नहीं डालेंगे, एक साथ भर भर के डालेंगे। जितना ऑयल है इसमें जितना मालपुआ आएगा उतना भर भर के डालते जाएंगे, फटाफट से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा लिया था। काफ़ी मालपुए बन जाते हैं 2 कटोरी में, क्योंकि मैदा जब फूल जाता है तो बहुत ज़्यादा मालपुआ बन जाता है। ये देखिए मालपुए कितने फूले हैं, अच्छे मालपुए की यही निशानी है, खूब ज़्यादा वो फूल जाएगा, कढ़ाई में ही फूल जाएगा। एक तरफ से इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेकेंगे। दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए कलर बिल्कुल
चेंज हो गया है। अब इसको एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस तरह से आप दबा के एक्सेस जो ऑयल है उसको निकाल सकते हैं। निकाल लिया और इस तरह से मेरा सारा मालपुआ बनके रेडी हो गया। बहुत ही देख के ही बहुत ही यम लग रहा है। और सबसे अंत में पूरी बनाएंगे। आटा मैंने पहले से लगा के रखा हुआ था। फटाफट से पूरी बेलते जाएंगे, या तो आप एक साथ पूरी बेल के सेक भी सकते हैं, या फिर बेल के एक बार रख लीजिए और तलते जाइए। क्रिस्पी कड़ाड़ा पूरी बना के निकाल लेते हैं। तेल खूब गर्म हो जाए फिर फ्लेम लो करें, या फिर हाई फ्लेम पे तलें। बहुत अच्छी पूरी कड़ाड़ी पूरी निकलती है। आइए आप प्लेट लगाते हैं। कटहल की सब्जी बनके रेडी है। सबसे पहले कटोरी में डाल देंगे कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी के साथ मालपुआ बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम लगता है। अब प्लेटिंग कर लेते हैं दही बड़े की। दही बड़ा को पानी से निकाल लिया, दही डाल दिया और यहाँ पे इमली की चटनी डाल दी है। इमली की चटनी का भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके ऊपर मसाले डाल दिए हैं, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची, काली मिर्च। और इसमें जो भी मसाले डालेंगे वो फ्रेश पीस के ही मैंने रखा है, आप भी फ्रेश पीस के डालिए। पहले के रखे हुए मसाले डालेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल फ्रेश पीसा हुआ मसाला डालिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने डाला है लस्सी। लस्सी सिंपल दही का, दही को मथ के बना लिया है और इसके ऊपर ये डाल दिया है। इसको गार्निश कर दिया है ड्राइड फ्रूट से। मालपुए रख दिए, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पिस्ता रख दिया है। और गर्मा गर्म पूरी। तो होली स्पेशल थाली बनके तैयार हो गई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो।